व्यंजन भारती के सभी दर्शकों को स्वप्निल वर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों आज हम पिना कोलाडा बनाने जा रहे हैं। ये एक कैरेबियन ड्रिंक है और ट्रेडिशनली इसे फर्मेंटेड पाइनएप्पल और रम के साथ बनाया जाता है। और पिना का मतलब होता है पाइनएप्पल और कोलाडा मतलब होता है स्ट्रेन्ड, यानी कि इसे छाना गया हो, तो इसका जूस निकाल कर इसे छान लिया जाता है और इसे रम और कोकोनट मिल्क के साथ बनाते हैं। कोई भी विदेशी व्यंजन जब भारत आता है तो उसका भारतीयकरण हो ही जाता है और हम तो आपके लिए व्यंजन भारतीय लेकर आते हैं। तो पीना कोलाडा हो या कोई भी और ड्रिंक, हमारे इंडिया आ चुका है और इंडिया में आने के बाद हमने इसे पूरी तरह से भारतीय बना दिया है और नॉन अल्कोहलिक बना दिया है। सिंपल सा है, पाइनएप्पल का जूस और कोकोनट मिल्क के साथ हम इसे बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। पीना कोलाडा ट्रेडिशनली फ्रेश पाइनएप्पल से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं यहाँ पर टिंड पाइनएप्पल से पीना कोलाडा बनाने जा रही हूँ और मुझे लगभग 250 से 300 ग्राम टिंड पाइनएप्पल के स्लाइसेस चाहिए। ये इजीली सब जगह मिल जाते हैं। अगर आप फ्रेश पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आप लगभग इतनी ही क्वांटिटी में पाइनएप्पल ले सकते हैं। अब हमें इसे पीसना है। फ्रेश पाइनएप्पल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा पानी डालिए, लेकिन टिंड पाइनएप्पल का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ जो शुगर सिरप होता है उसका ही हम इस्तेमाल करेंगे इसे पीसने में। 3-4 चम्मच शुगर सिरप मैंने डाल दिया है, इससे ये अच्छा मीठा भी हो जाएगा और चीनी कम डालनी पड़ेगी। एक ब्लेंडिंग जार में डालकर इसे मैंने पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से पीस चुका है। अब इसे हमें छानना है। एक बड़ी सी छन्नी यानी कि स्ट्रेनर में मैं ये प्यूरी डालती जाऊंगी और धीरे धीरे चम्मच की मदद से प्रेस कर करके सारा जूस मैं इसमें से निकाल लूंगी। जूस निकालते वक्त अब इसमें एक्स्ट्रा पानी ना डालें, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। गाढ़ा गाढ़ा ही इसका जूस और पल्प हमें निकालना है और जूस निकालने के बाद जो रेशे थोड़े से छन्नी में रह जाते हैं उसे हम हटा देंगे। अब एक बार फिर उसी ब्लेंडिंग जार में मैं ये सारा जूस डाल रही हूँ। वैसे तो ये टिन पाइनएप्पल से बना है और इसमें शुगर सिरप भी डाला, थोड़ा मीठा है, फिर भी मैं 2 चम्मच चीनी इसमें डाल रही हूँ। अगर आप फ्रेश पाइनएप्पल से बना रहे हैं तो हिसाब से चीनी डालिए, खट्टा पाइनएप्पल है तो चीनी थोड़ी ज़्यादा भी डालनी पड़ सकती है। अब इसमें हमें डालना है कोकोनट मिल्क। मैं ये पैकेट वाला कोकोनट मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ, डाबर होममेड का। मैं इसे एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। वैसे आप चाहें तो घर में फ्रेश कोकोनट मिल्क भी बना सकते हैं। फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करके उसमें पानी डाल के उसे मिक्सी में पीस लीजिए और एक पतले मलमल के कपड़े से उसका सारा मिल्क निकाल लीजिए तो फ्रेश कोकोनट मिल्क हमें मिल जाता है। लेकिन आजकल मार्केट में इजीली पैकेट वाला कोकोनट मिल्क मिल जाता है, और भी ब्रांड के मिलते हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। काम काफी आसान हो जाता है, बस पैकेट को कट किया और कोकोनट मिल्क को जार में डाल दिया। देख सकते हैं आपकी कितना गाढ़ा गाढ़ा बढ़िया कोकोनट मिल्क है। ये आधा पैकेट मैं इसमें डाल रही हूँ। बस एक बार फिर से इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और ये हमारा बढ़िया सा पीना कोलाडा बनकर हो गया है तैयार। इसे ठंडा ठंडा सर्व करते हैं तो उसके लिए ग्लास में 3-4 क्यूब हम आइस की डालेंगे और इसके ऊपर डालेंगे ये हमारा बढ़िया सा पीना कोलाडा। ठंडा ठंडा चिल्ड पीना कोलाडा बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही बढ़िया लगता है। खास तौर से गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडक देने में ये बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्दी भी होता है। तो इसे गार्निश करने के लिए कुछ पाइनएप्पल की स्लाइसेस इसमें सजाई जा सकती है, नहीं तो इसके बिना भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये ड्रिंक जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों क्या आपने ये डिश पहले अपने घर में कभी बनाई थी? अगर बनाई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज का व्यंजन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को हिट करना जरा भी नहीं भूलिएगा, वरना आपको हमारी सभी रेसिपीज की नोटिफिकेशन कैसे मिलेंगी। तो अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर मिलते हैं। बाय।